नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कोटक चेरी ऐप कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे चेरी एक्सक्लूसिव आपको दिख रहे हैं, जैसे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आपको 9 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड बास्केट्स, स्टॉक बास्केट्स। जैसे हम बॉन्ड्स में क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉरपोरेट बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, जिसको जैसे IIFL फाइनेंस का है, मुथूट फाइनेंस है का बॉन्ड दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ में क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जैसे रिटर्न्स है 8%, कूपन 8.25% पर एनम, AA की रेटिंग है इसकी, और इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा, और रिपेमेंट टर्म्स एट मैच्योरिटी पे होगा, और प्राइस पर बॉन्ड की प्राइस इतनी है, मैच्योरिटी डेट यहाँ तक है, 14 अक्टूबर 2023 तक है, और फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 1000 रुपये है, सिक्योरिटी सिक्योर्ड है, लिस्टिंग स्टेटस लिस्टेड है, और यहाँ पे आप नीचे बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बैक करेंगे, हाँ, यहाँ पे आप कितनी यूनिट्स लेना चाहते हैं, यूनिट्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितना भी आप यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स आप लेना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मिनिमम 1 यूनिट आपको लेनी पड़ेगी। इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करके आप इन्वेस्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कोटक चेरी ऐप के थ्रू। आप यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड बास्केट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे फॉर एवर पोर्टफोलियो, यहाँ पे एक्टिव पैसिव कॉम्बो, टैरिफ डुओ, स्टे देसी, अलग अलग यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ हैं। यहाँ पे अलग अलग AMCs हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, UTI, अलग अलग। तो जैसे हम फॉर एवर पोर्टफोलियो में देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका 7.73 है। AMC का AUM इतना है, आप देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC का 4,86,424 करोड़ का यहाँ पे AUM है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 है, और ये 3 फंड्स के आपके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांस फंड 80% यहाँ डालेंगे, 10% यहाँ डालेंगे, 10% यहाँ डालेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बास्केट्स हैं, तो बहुत सारे बास्केट्स में ये आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे ही यहाँ पे स्टॉक बास्केट्स हैं, इसमें बने हुए बास्केट्स होंगे, जैसे बहुत सारे बास्केट्स बने होंगे यहाँ पे, जैसे HDFC सेंसेक्स ETF। यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, डिटेल्स में क्लिक करके। यहाँ पे इस ETF की वैल्यू 6,601 रुपये चल रही है, और यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं, जैसे लास्ट 1 ईयर में कितने दिए हैं। 1 ईयर में जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत ही हल्के से रिटर्न दे रखे हैं, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर 5 ईयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 ईयर का चार्ट देख सकते हैं आप, HDFC सेंसेक्स ETFs का। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ETFs हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग AMCs के अलग अलग ETFs हैं, आप यहाँ से उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखते हैं हम इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ETFs गो ग्लोबल। गो ग्लोबल में आप यहाँ पे ग्लोबल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे फंड्स जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया से बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ ग्लोबल एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स है। इसमें आप क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बाय नाउ में क्लिक करके आप यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट 500 है, मिनिमम SIP अमाउंट 500 है। आप यहाँ पे 500 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं। 1000 अगर वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 500 रुपीज़ है, आप बाय नाउ में क्लिक करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फंड की डिटेल देख सकते हैं। AUM है 251 करोड़, सॉरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ से आप SIP इसमें स्टार्ट कर सकते हैं।
नीचे आप यहाँ पे इनके एक्सपेंस रेशियो, लॉक इन पीरियड, एग्जिट लोड, एंट्री लोड यहाँ पे देख सकते हैं। रिडेम्पशन पीरियड कितना है, 1+6, और लॉन्च कब हुआ था ये, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है इसका, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे सिमिलर फंड्स भी देख सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड है, और अलग अलग यहाँ पे सिमिलर फंड से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बैक करें तो यहाँ पे स्टॉक्स से, तो आप सीधे डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन ये लगा इसमें, म्यूचुअल फंड बास्केट्स। हम म्यूचुअल फंड बास्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखी है जो म्यूचुअल फंड बास्केट्स में इन्वेस्ट करवाती है। तो आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे हम स्टॉक बास्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बास्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बास्केट्स वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और यहाँ पे REITs में भी, रिट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग रेट से, जैसे बुकफील्ड रेट है यहाँ पे, इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं रेट की वैल्यू, रियल इस्टेट ट्रस्ट 326 इसकी वैल्यू है आप यहाँ पे, और मार्केट कैप है कि 10,918, एंड प्रमोटर्स के पास इसका हिस्सा 54%, और पब्लिक प्लस DIIs FIIs के पास, अदर्स के पास 45% यहाँ पे हिस्सा है। यहाँ पे बाय में क्लिक करके आप इस रेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एम्बेसी ऑफिस रेट है कि यहाँ पे हम इसका अगर 5 ईयर की ग्रोथ देखें, तो 5 ईयर का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं 5 ईयर में, कोई खास अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। हम कोई और देखते हैं, यहाँ पे माइंड स्पेस रेट की बात करते हैं। अगर इनकी इसके 5 ईयर के रिटर्न देखें, तो हम इसने थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 5 ईयर में। तो ऐसे ही आप यहाँ से तो रेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी, डेट, प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट मिक्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बास्केट्स, एग्रेसिव हाइब्रिड बास्केट्स, मल्टी एसेट फंड्स, बैलेंस फंड्स, अलग अलग फंड्स में आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्लस इन्वेस्टमेंट में देखें तो NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ELSS में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस अभी आया नहीं है इसमें, वरना आप यहाँ से इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं अपना, कमिंग शून कुछ टाइम में यहाँ पे इंश्योरेंस भी आप कोटक चेरी ऐप से कर सकते हैं, और सेविंग अकाउंट तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो कोटक चेरी ऐप में हमको सारी ही सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। आप यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं NPS, ELSS, इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट्स, प्रीशियस मेटल्स में, रियल इस्टेट्स में, डेट, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड बास्केट्स, बॉन्ड्स, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक एक ऐप चाहिए सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कोटक चेरी ऐप इसमें बेस्ट ऐप मुझे लगा। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।